इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन करने से कैसे मिलती है आपको फ्री बायोमेट्रिक डिवाइस, और CSC इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन करने से कैसे आती है हमारे पास और कौन देता है ये हमें CSC से फ्री बायोमेट्रिक डिवाइस फिंगरप्रिंट स्कैनर। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो फिर आप ये वीडियो हमारा लास्ट तक देखते रहिए। नमस्ते, मैं हूँ राहुल झा और यूट्यूब के इस हिंदी वर्ड चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको फिंगरप्रिंट की जो डिवाइस फ्री में दी जा रही है वो उसकी क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या टर्म्स है और किन किन को दी जा रही है वो फ्री फिंगरप्रिंट डिवाइस। जी हाँ, तो सीखना चाहते हैं तो फिर देखते रहिए कि कैसे मंगवा सकते हैं हमें से। इसके पहले हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो हमारा वीडियो प्ले होता है तो इस तरीके से आपको कॉर्नर में सब्सक्राइब बटन नज़र आते हुए दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको बटन नज़र आता दिखाई देगा ये सब्सक्राइब का, और आपको इस बटन पर क्लिक करना है और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो हिंदी वर्ड चैनल है ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब हो जाएगा, और आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें अपना CSE इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, मोबाइल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि संबंधित वीडियो को यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, डालते रहते हैं, जिसकी जानकारी आपको मेल के थ्रू आपके मेल बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको बिना समय गवाए जल्दी से हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे मंगवानी है अपनी फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस, वो भी बिल्कुल फ्री, और कैसे आएगी और उसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन करना है हमें। ठीक है, तो चलिए एक नया टैब खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वो डिवाइस होगी जिसके माध्यम से आप अपने फिंगर को, थम्स को स्कैन करते हैं, और इसकी सेवा कई जगह यूज़ होती है, जैसे कि अपना धन सर्विस में। अपना धन सर्विस क्या है उसके बारे में अपना एक वीडियो बनाया है तो आप वो जान सकते हैं और देख सकते हैं उस वीडियो को। दूसरी बात इंश्योरेंस में, तीसरी चीज़ आप किसी का आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसमें, और डिफरेंट जो बहुत सारी वीडियो NDLM में भी इसका यूज़ होता है, तो हर जगह आपका जो है इसका कहीं भी सिक्योरिटी को वेरीफाई करने के लिए जो है इसका यूज़ होता है। चलिए ये तो बात हो गई कि ये सिक्योरिटी में काम करती है, अब इसे पाना कैसे है। तो वैसे तो आपको पता है कि CSE हमें फ्री नहीं देगा ये, ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है जिसके माध्यम से ये हमें दे रहा है। लेकिन मैं ये नहीं करता कहता कि हर सेवा में आपको दी जा रही है, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस का रजिस्ट्रेशन करेंगे, रेप जो कोई भी इंश्योरेंस का आप एजेंट बन जाएंगे, चाहे वो LIC का हो या सारा कुछ, जितने भी उसमें सेवाएं आती हैं उन सारे के आप जो एजेंट बन जाएंगे, ठीक है, और आपको एक आईडी और एक पासवर्ड दे दिया जाएगा। तो उसके रजिस्ट्रेशन का मैंने वीडियो बनाया है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जिसके माध्यम से आप अपना उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मिलना कैसे है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन आप फॉलो करते हैं तभी आपको जो है वो दिया जाएगा, वरना आपको नहीं दिया जाएगा। उसका एक लिमिट ऑफर है, ठीक है, यानी समझेंगे कि आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करें और आपको मिल जाएगा, नहीं, इसकी एक लिमिट है जिसके माध्यम से आपको ये दिया जाएगा। तो आपको इस मेल आया होगा आपके मेल आईडी में, शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन एक मेल आया है, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा मेल आया है वो CSE की तरफ से। तो ये देखिए वो मेल लोड हो रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ, उनकी कंडीशन भी आप पढ़ सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन रेप इंश्योरेंस सर्विस गेट फ्री बायोमेट्रिक डिवाइस, ठीक है। तो अब जब आप इस रेप का रजिस्ट्रेशन करेंगे, इंश्योरेंस का रजिस्ट्रेशन करेंगे सर्विस का, तभी आपको ये बायोमेट्रिक डिवाइस दी जाएगी, ना कि किसी और सर्विस पे, ठीक है, ये तो बात हो गई। अब आप यहाँ पे नीचे ही पढ़ सकते हैं ऑफर वैलिड टिल स्टॉक लिस्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑफर है इसके माध्यम से ये आपको दी जा रही है, और इसमें आप नीचे पढ़ सकते हैं जो इसमें दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है कि इनके पास जितना स्टॉक है, अगर आप उसकी डेट के अंतर्गत अगर इन्हें आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन करने का ये लिंक भी आपको दिया होगा, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आपको जो है 2 से 3 महीने का टाइम लगता है, तभी आपको उसके बाद ये जो है डिवाइस दी जाती है। आपको तो पता होगा कि अगर आप किसी कियोस्क का रजिस्ट्रेशन अगर करते हैं तो उसमें आपको जो है 6 से 8 महीने का टाइम लगता है, और हो सकता है कि आपको एक साल से लेके 15 महीने तक आपको जो है उसका वेट करना पड़े। किसी किसी को तो जो है 1 साल भी वेट कर लेते हैं फिर भी उनको कियोस्क का को आईडी और पासवर्ड नहीं मिलता है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक दे रहे हैं या नहीं ना दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही इसका होता है
कि हो सकता है कि अगर आप उस स्टॉक में आ जाए तो ये आपको भेज दे, लेकिन ये तो टाइम फिक्स है कि आपको ये 2 महीने के पहले नहीं देगा, 2 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई आपको फ्री में बायोमेट्रिक नहीं देता है, उसके लिए आपको इसकी इसका एग्ज़ाम देना होगा, इसकी फीस पेमेंट करनी होगी। ठीक है, उसके बाद जब आप सारे स्टेप इसके रेफ इंश्योरेंस के कंप्लीट कर लेते हैं तभी आपको ये बायोमेट्रिक डिवाइस दी जाती है। तो ये मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है और हो सकता है कि आप उसके स्टॉक में ना आए और ये आपको ना दी जाए। ठीक है, तो इसकी कुछ आप जान सकते हैं इसके बारे में, और वैसे भी ठीक है, तो ये सारी इसकी कंडीशन है। अब मैं इसका जो वीडियो है मैं दिखा देता हूँ, वैसे तो कि आपको रिप को इंश्योरेंस करना कैसे है, तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक करूँगा। तो ये देखिए ये जो पहला लिंक दिया है रजिस्ट्रेशन करने का, ये इसी पे मैं क्लिक करूँगा, या आप डायरेक्ट जो भी मैं डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को डाल दूंगा तो डायरेक्ट भी आप रजिस्ट्रेशन करने के इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, जिसके माध्यम से आप रेप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और मैंने इस पे एक फुल वीडियो अपना बनाया हुआ भी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उससे आप जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो तो मैंने इसी के लिए बनाया हुआ है कि अभी ये नई सेवा आई है, हो सकता है कि आप इसके स्टॉक में आ जाएं और आपको ये डिवाइस जो है फ्री में मिल जाए। वो फ्री नहीं होता है, लेकिन आपने कुछ तो पे करा हुआ है, उसका जो उसका फीस है वो तो आपने पे करा हुआ है। लेकिन ठीक है, तो इस तरीके से वो डिवाइस आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये VLE का रेप का रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, इस पर रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे फीस पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये सारे जब आप स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तभी आपको वो बायोमेट्रिक डिवाइस दी जाएगी। ठीक है, और वो तो आपको पता ही है कि ये स्टॉक में आप आएँ तो ही मिलेगा, और 350 तो आपको पे करने ही करने हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप पेमेंट कर भी दें लेकिन आपका रेप का रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन आपको हो सकता है बायोमेट्रिक डिवाइस ना भी मिले, क्योंकि ये इसमें सभी के लिए नहीं है, कुछ खासी ऑफर है, लिमिट ऑफर है, तो उसके माध्यम से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं रजिस्ट्रेशन आपको दिखा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन का पेज क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन का पेज खुल गया है। यहाँ पे आपको VLE की OMDI डालनी है, आधार नंबर डालना है, जो सारी इन्फॉर्मेशन है पर्सनल वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको एजुकेशन डिटेल्स डालनी है, आपने जो भी आपकी एजुकेशन है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे भर दीजिए। इसके बाद अपना CSC सेंटर की डिटेल्स डाल दीजिए। ठीक है, सेंटर कोड, सेंटर लोकेशन, जो भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। और ध्यान रखिए कि आपको जिन पे स्टार मार्क का साइन लगा हुआ है वो आपको भरने ही भरने हैं, अगर आप वो छोड़ेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप स्टार मार्क वाले जरूर भरिए ऑप्शन को। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे आपको यहाँ पे अपनी एजेंट डिटेल्स डाल दीजिए, और इसके बाद यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट है वो लगा लीजिए, जैसे कि एड्रेस प्रूफ, वोटर आईडी प्रूफ, कॉपी फॉर पैन कार्ड, एजुकेशन प्रूफ। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे सारे डाल के यहाँ पे और सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद फीस पेमेंट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आप इसमें आते हैं तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आपको ये डिवाइस शायद मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करके और ये फ्री वाला जो बायोमेट्रिक डिवाइस है आप पा लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।